हमारी चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सोलंकी और आप देख रहे हैं ज्ञान विशेष। दोस्तों, आज मैं एक बेहद महत्वपूर्ण पौधा पुदीना की जानकारी आपको दे रहा हूँ। पुदीना एक प्रसिद्ध औषधि है। इसके पत्ते, तेल, चाय और काढ़ा आदि के रूप में इसका सेवन किया जाता है। सबसे पहले इसके अलग अलग नामों की जानकारी लेते हैं। रोचने, पुदीन और पुतिहा संस्कृत नाम है। गुजराती में पुदीनो कहते हैं। इसका मराठी नाम पुदीना है। हिंदी में पुदीना और पुदीना कहते हैं। इसे पंजाबी में पुतना और पुदीना से पहचानते हैं और बंगाली नाम पुदीना है, फारसी में पुदीना, जबकि अंग्रेजी नाम मिंट और वैज्ञानिक नाम मेंथा अरवेंसिस है। पुदीना का बहुत छोटा पौधा होता है। ये लगभग एक फुट बड़ा होता है। ये भारत में सर्वत्र उगाया जाता है और कई राज्यों में इसकी खेती होती है। पुदीना मेंथा वंश संबंधित एक बारहमासी खुशबूदार जड़ी बूटी है। इसकी अलग अलग प्रजातियां जापान, एशिया, अफ्रीका, चीन और अमेरिका में पाई जाती है। हिमालय में पुदीना की कई जातियां अपने आप उगती है। पुदीना तुलसी के वर्ग से मिलती जुलती एक जाति है। इसके पत्ते तुलसी के पत्रों के कुछ छोटे और गोल होते हैं। इसके पत्तों की चटनी बनाई जाती है। आयुर्वेद के अनुसार इसके गुणधर्म की हम बात करें तो यह रुचि को बढ़ाने वाला, पाचक, कफ, खांसी, अग्निमांद, संग्रहणी और अतिसार का नाश करता है। यह कृमि को मिटाता है और ज्वर को दूर करता है। पुदीना का सबसे ज्यादा और विशेष उपयोग दवाइयों, पेय पदार्थों, पान मसाला और प्रसाधनों में खुशबू बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसकी ताजी पत्तियों में से तेल पाया जाता है जो विशेष रूप से गुणकारी होता है। इस तेल का यूकेलिप्टस के तेल के साथ मिलाकर कई रोगों में उपयोग किया जाता है। यह बदन दर्द दूर करने के लिए गैस और गठिया में विशेष रूप से फायदेमंद होता है। इसके तेल को जैतून या अन्य किसी तेल के साथ मिलाकर गर्दन और सिर पर मालिश करने से सिर दर्द में आराम मिलता है। इसके पत्तों की चाय बनाकर या इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से उबकाई और उल्टी में लाभ मिलता है। पुदीना के पत्तों की चाय बनाकर पीने से या इसका काढ़ा बनाकर पीने से अस्थमा में आराम मिलता है। पुदीना पाचन क्रिया को सुधारता है। रोजाना पुदीना की चाय पिए या गर्म पानी में इसके तेल की कुछ बूंदे टपका कर पीने से पाचन क्रिया में सुधार होता है। इसके अलावा पुदीना का सेवन बालों के लिए और त्वचा के लिए बहुत लाभकारी है। इसके पत्तों का रस निकालकर नासिका में कुछ बूंदे टपकाने से पीनस में आराम मिलता है। इसके पत्तों का ताजा रस निकालकर पीने से खांसी और अतिसार मिटता है। पुदीना और अदरक का संभाग रस निकालकर इसमें सेंधा नमक मिलाकर पीने से पेट का सूल मिटता है और इसका रस पीने से पेट की कृमि भी नष्ट हो जाती है। इसके अलावा इसका रस या इसका काढ़ा बनाकर पीने से ज्वर मिटता है। तो दोस्तों, इस जानकारी को अपने स्नेहीजनों और मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।